नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर घाटी में पिछले 15 दिनों में आतंकियों द्वारा 3 पंचायत प्रतिनिधियों को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। पंचायत कॉन्फ्रेंस ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षा के लिए आवेदन कर चुके पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा मुहैया करवाए जाने की मांग की है। पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री के 23 मार्च को प्रस्तावित जम्मू दौरे के मद्देनजर उनसे ये मांग की। अनिल शर्मा ने कहा कि मौजूदा समय में कई पंचायत प्रतिनिधि पुलिस प्रशासन से सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग कर चुके हैं, लिहाजा उन्हें ये सुविधा दी जानी चाहिए। जाए डेमोक्रेटिक से पहला आपको पता ही है कि पिछले 15 दिन के अंदर हमारे 3 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो टारगेट हुए हैं। सिलेक्टिव किलिंग जो है वो हुई है। एक पेंस साहिबान हमारे टारगेट हुए, उसके बाद फिर उसके बाद एक सरपंच साहिबान टारगेट हुए, उसके बाद एक और सरपंच साहिबान टारगेट हुए, और कुल मिला के 2011 से लेके अभी तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए पंच और सरपंच 30 के करीब करीब लोग जो हैं हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं पंच और सरपंच टारगेट हुए हैं। हमारी मांग है होम मिनिस्टर साहब से, अमित शाह साहब से, कि जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो पंच और सरपंच हैं, जिन लोगों ने प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी साहब के पास रिप्रेजेंटेशन दी है सिक्योरिटी की, जिन लोगों ने डीजीपी साहब के पास रिप्रेजेंटेशन दी है सिक्योरिटी के लिए डिमांड की है, जिन लोगों ने एडीजीपी सिक्योरिटी के पास रिप्रेजेंटेशन दी है सिक्योरिटी के लिए, उन तमाम लोगों को जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो दी जाए। के इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज द्वारा वर्ल्ड ओरल हेल्थ वीक पर कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज ने सरकार के निर्देश पर इन गतिविधियों का आयोजन किया है ताकि लोगों को ओरल हाइजीन के प्रति जागरूक किया जा सके। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू ने अपने कैम्युनिटी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से इस एक्टिविटी को सेलिब्रेट किया है, क्योंकि ये हमें डायरेक्टिव खाली अपने इस इंस्टीट्यूशन से नहीं है, हमें यूटी जेएंड के गवर्नमेंट के हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब का भी डायरेक्टिव है, उसके अलावा हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी डायरेक्टिव है, हेल्थ मिनिस्ट्री का और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी, कि इसको सेलिब्रेट किया जाए। इसका सेलिब्रेशन भी हमने अलग अलग जगह पे कम्युनिटी डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट ने कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, जिसमें लोगों को एग्जामिन किया गया, उनको अवेयर किया गया कि अच्छी ओरल हेल्थ होने के क्या सिग्निफिकेंस है। तो काफ़ी जगहों पे वृद्ध आश्रम पे, अनाथ हालों पे और बाकी स्कूलों पे भी कैंप ऑर्गेनाइज किए। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने मुलाजमों की डीपीसी अभी तक ना करवाए जाने के विरोध में हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। फेडरेशन ने सरकार को एक महीने की मोहलत देते हुए चेताया है कि इस अवधि में अगर ये प्रक्रिया पूरी ना हुई तो फेडरेशन के पास फिर से आंदोलन पर जाने के सिवाय कोई चारा नहीं रहेगा। फेडरेशन के प्रधान सुशील सूदन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये चेतावनी दी। 2021 को सेक्रेटेरिएट कश्मीर में हमारी एक नेगोशिएशन हुई थी, जिसमें उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा था कि आपकी डीपीसी कर देंगे, मगर वो 15 दिन बीत जाने के बाद जब हम स्ट्राइक की कॉल देने जा रहे थे तो कोविड-19 बड़ा हायर में था, हमने वो डीपीसी की परवाह नहीं की, हमने कहा कि हमने कोविड-19 को देखना है। आज 8 महीने हो गए हैं मगर वो फाइल जो है अभी सेक्रेटेरिएट में है। गवर्नमेंट एक तरफ गुड गवर्नेंस का वादा दे रही है, नारा दे रही है, गुड गवर्नेंस कहाँ है? अगर 15 दिन का काम 8 महीने में नहीं हुआ, वहां गुड गवर्नेंस कहाँ है? इसलिए आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3-4 हजार लोग हैं जिनको ये बेनिफिट मिलना है, बहुत सारे लोग रिटायर हो गए हैं, बहुत सारे रिटायर होने जा रहे हैं। 1 महीने के अंदर अंदर अगर गवर्नमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं देती, डीपीसी नहीं होती, तो महीने के बाद हमारा जो स्ट्राइक का काल, सीधी स्ट्राइक आएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट। अफसोस के साथ आरएसपुरा की पंचायत कल्याणा के सरपंच युवराज सिंह ने
आज एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलकर तहसीलदार शब्बू अहमद से भेंट की। इस दौरान कलियाना के लोगों ने तहसीलदार से पिछले वर्ष बारिश से हुए धान की फसल के नुकसान का मुआवजा देने की मांग की। वहीं तहसीलदार ने कहा कि फंड उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों की खराब फसल के मुआवजे की प्रक्रिया में बाधा आई है। जैसे ही फंड उपलब्ध होते हैं किसानों को उनकी खराब फसल का मुआवजा दे दिया जाएगा। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਓਲਾਵ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਮਲੀ ਬਣ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਡੀ ਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਦੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਟਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਕਨਾਲ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ 5 ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਗਰਗ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਕਲਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਚਾੜਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। रहे थे उनका ये डिमांड थी कि जो कंपनसेशन का पैसा अभी तक उनको फाइनेंस नहीं हुआ है, इस सिलसिले में हमने उनको ये यकीन ध्यान दिलवाई कि उनके जो गांव की लिस्ट है वो ऑलरेडी जो है डी सी ऑफिस चली गई हुई है, लेकिन अभी डी सी ऑफिस में जो है वो फंड्स की कमी है और डी सी ऑफिस वालों के साथ जो एम्प्लॉज वहाँ पर डील करते हैं कंपनसेशन लिस्ट में या एस डी आर एफ के पैसों में, उनके साथ भी हमारी डिटेल में बात हुई, उनके सामने बात हुई और उनने भी कहा कि जो ही फंड्स रिलीज होंगे तो कल्याणा गांव को उसमें इंक्लूड करके हमारे लिए फंड्स लेके भेज देंगे वो, और जो ही हमारे पास फंड्स आएंगे तो हम लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पीडीपी ने संगठन को और मजबूत बनाने की अपनी मुहिम के चलते आज कुछ नए लोगों को अपने साथ जोड़ा और कुछ पुराने साथियों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी। जम्मू में पीडीपी मुख्यालय में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस प्रक्रिया का अंजाम दिया गया। पार्टी के सीनियर नेताओं ने उम्मीद जताई कि पीडीपी के साथ जुड़े सभी नए और लोग और साथ ही साथ पुराने साथियों अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाएंगे। साथिया जी, जो सांबा का आज इनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया यूथ का, ये पिछले 10 साल से पार्टी के साथ है, और जो विनीत महाजन जी जिनको आज जम्मू शहर का हमने प्रेसिडेंट बनाया है, इनकी जो मदर है वो भी पीडीपी के साथ ही, आज से नहीं म्यूनसिपल इलेक्शन जब 2004 से हुआ था तब, जब 2014 का इलेक्शन था तो विनीत महाजन जी ने यहाँ हमारे जो कैंडिडेट थे जम्मू अर्बन से जम्मू ईस्ट से भरत चौधरी साहब उनके लिए काम भी किया था, उनका ऑफिस भी खोला था, ये पुराने साथी हैं, पुराने पार्टी के साथ चल रहे हैं, तो आज इनको पार्टी ने ये देखा कि ठीक है वाकई ये जो जिम्मेवारी हम इनको दे रहे हैं इसको ये निभा पाएंगे, तो आज ये इनको जम्मू अर्बन का प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए गए यूथ विंग का, और साहिल सलाथिया साहब को डिस्ट्रिक्ट सांबा का यूथ विंग का प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आज ये जो कुछ नौजवान आज हमारे साथ जो नए ज्वाइन हुए हैं वो कुछ हैं, सारे नहीं हैं, तो ये पुराने साथी हैं जो हमारे साथ चल रहे थे, तो पार्टी मैं समझता हूँ कि इस वक्त जम्मू शहर में नौजवान हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं आपके सामने हैं, तो लोग खुद आ भी रहे हैं और जो पुराने लोगों को आज अहदेदारी दी गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये मैं पहले तो इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इनको आज पार्टी प्रेसिडेंट ने और हमारे जनरल सेक्रेटरी अमरीक सिंह ग्रीन साहब ने और तमाम सीनियर साथियों ने इनको ये जिम्मेवारी सौंपी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अपने डिस्ट्रिक्ट में नौजवानों को इकट्ठे करके पीडीपी के पॉलिसी और प्रोग्राम के साथ जोड़ेंगे। जम्मू के गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल में आज से मदर एंड चाइल्ड सर्विसेज ओपीडी शुरू हो गई। कोरोना महामारी के चरम पर रहने के चलते इस अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया था, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ने इसके एक हिस्से में ये ओपीडी शुरू करने का फैसला लिया, जिसका उद्घाटन आज जीएमसी की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने किया। एक कोविड कॉरिडोर अलग रख दिया गया है
उसमें उसके डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर्स और लेबर रूम भी जो कोविड महिलाओं के लिए होगा वो भी अलग है, और दूसरी साइड पे ताकि जो हमारा एक जिस पर्पज़ के लिए ये बना था उसमें हम थोड़ा भी नहीं कर पाए थे उसी ढंग से इस्तेमाल, तो हमारे ये जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे गाइनियोप्स के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उनकी टीम है, पीडियाट्रिक्स के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इन जो एक्सटेंशन की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सटेंशन की पर्टिकुलरली, और इन्होंने अपना स्टाफ भी अप्रोप्रिएट किया है और आज यहाँ पे ओपीडी भी शुरू कर दी, सीजेरियंस भी यहाँ पे शुरुआत बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगी नॉन कोविड की भी, यहाँ की आज ओपीडी सर्विसेज से लोगों को भी राहत मिलेगी और एसएमजी हॉस्पिटल का जो रश है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, सबको पता है कि वहाँ कितना रश रहता है। मांगे पूरी ना होने के विरोध में जम्मू कश्मीर के पिछड़े वर्ग ने जम्मू में 28 मार्च को रोष रैली निकालने का ऐलान किया है। पिछले वर्ग के नेता जीएल थापा ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर वो यूटी प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी भेंट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया है। यही वजह है कि पिछड़े वर्ग को अब सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। एक महीना पहले हम ऑनरेबल एलजी साहब जो है मनोज सिन्हा जी इनसे मिले थे, इन्होंने हमारा मेमोरेंडम लिया, उसे स्टडी किया एंड देन ही शेयर्ड विद अस के मैंने देख लिया है व्हाट एवर इज एप्लीकेबल इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री वो यहां पर भी होगा, आई विल कॉल यू आफ्टर 10 डेज, बट अनफॉर्चुनेटली अब ज्यादा हो गया, अब हम आना नहीं चाहते थे सड़कों पर, अब मजबूर होकर के हमने एक फैसला ले लिया कि हम 28 मार्च को जो है एक महा पीसफुल रैली जो है वो करेंगे और उसका रूट रहेगा गुरुद्वारा रविदास सभा बोफोर्ट से हम निकलेंगे बाया गुजरनगर जो ब्रिज है उससे होते हुए हरिसिंह पार्क के होते हुए और फिर यहाँ ये जो पुराना पुल है हमारा तभी का यहाँ से गुजरते हुए यूनिवर्सिटी रोड से एंड हम करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चौक। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के विरोध में पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश पड़गोत्रा ने भाजपा और इसके सांसद जुगल किशोर शर्मा पर जमकर निशाना साधा। राजेश पड़गोत्रा ने कहा कि भाजपा अपने फायदे के लिए जम्मू की हर विधानसभा के टुकड़े कर रही है। पैंथर्स पार्टी ने गुड़ा सलाथिया पटवार को सांबा विधानसभा से जोड़ने का भी विरोध किया। कश्मीर में जो डिलिमिटेशन प्रक्रिया जो 2 साल से पहले जो शुरू की थी और उसके जो एसोसिएट मेंबर थे उन्होंने जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं के टुकड़े टुकड़े करवा दिए हैं आज की डेट में, और मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुफाद की खातिर अपने कैंडिडेटों को जिताने के लिए विधानसभाओं को एक दूसरे की पंचायतों से जो जोड़ा जा रहा है इसकी जिम्मेवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी है और उसके एसोसिएट मेंबर हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जुगल किशोर शर्मा जो जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री हल्के के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो सांसद हैं उन्होंने जो है वो विजयपुर विधानसभा क्षेत्र को सांबा विधानसभा क्षेत्र को चाहे वो सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है चाहे वो बिश्ना कॉन्स्टिट्यूंसी है चाहे वो अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं बात करूंगा सांबा जिले की विजयपुर विधानसभा जो क्षेत्र है जिसमें गुड़ा सलातिया पटवार सर्कल जो था उसको 26 साल के बाद उठाकर उसको जो है वो सांबा के साथ जोड़ दिया गया। हम ये कहना चाहते हैं कि गुड़ा सलाथिया का लगभग 4 पंचायतों का जो वोट है वो 8,000 के करीब वोट है और उन्होंने ना तो अपनी राय दी है सांबा में जाने के लिए और ना ही डिलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर हैं उन्होंने लोगों से राय ली है। 1990 के कश्मीर के हालात और कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी राजनीति गरमाई हुई है। अपनी पार्टी के नेता और स्वर्णकोट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष यासिर खान ने इस फिल्म को राजनीति से प्रेरित बताया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यासिर खान ने कहा कि इस फिल्म में केवल एक पक्ष को दिखाया गया है, इसका मकसद लोगों को धर्म के आधार पर विभाजित करना और एक समुदाय विशेष के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देना है। हम जो
ब्रीफ करना चाहते हैं। ये हमारा मकसद जो है, ये जो एक मूवी आई है कश्मीर फाइल करके जिसका नाम है, लेकिन इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो नैरेटिव दिया गया है एक वन साइड दिया गया है। ये मानते हैं कि उस वक्त कोलैटरल डैमेज में जम्मू कश्मीर में हर तबके के लोग, हर मजहब के लोग जो थे इससे मुतासर हुए हैं, उसको जितना कंडम किया जाए उसके बाद हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि जिस शदी से कंडम किया जाए, वो सबके साथ जाती हुई है। लेकिन जिस तरह से नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, उस वक्त आप देखें एक आरटीआई भी फाइल हुई है जिसमें उस वक्त उसी साल 79 या 89 जो कश्मीरी पंडित जो थे उसमें मारे गए थे, लेकिन उसी साल दूसरी कम्युनिटी के लोग भी 2000 के करीब मारे गए थे। इसी तरह आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट पूंछ जो था सियाला, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था उसमें, यहाँ पर 1920 लोग जो थे उनका भी मास्कर हुआ था। तो इसी तरह चढ़ाव वैली देखें या बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जिन लोगों ने ये मूवी बनाई है ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए बनाई है, अपने फायदे के लिए बनाई है। आप देखें कि जब उस वक्त गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट जो थी वीपी सिंह की थी, तो उनको वीपी सिंह ने यहाँ पर जगमोहन को भेजा था, लेकिन वीपी सिंह की सपोर्ट कौन कर रहा था? वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कर रही थी सपोर्ट। तो कुल मिलाकर ये इनको अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए लोगों को आगे इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों के बीच में नफरत फैलाई जा रही है, जिससे आप हमें बताएं हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमारे इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना है, उसके जो हमारे जो बेसिक जो हमारा जो है उसमें जो राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो लोगों के बचने चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये कर रहे हैं, जिस तरह से ये मूवी दिखाई जा रही है, इससे फर्दर लोगों के अंदर एलिनेशन पैदा होगी। एक कम्युनिटी ऑलरेडी जो है मनाडी कम्युनिटी जो पूरी इंडिया में है वो मार्जिनलाइज्ड है, उसको फर्दर मार्जिनलाइज्ड करने के लिए कॉन्स्पिरेसी की जा रही है जिससे मुल्क का नुकसान होगा। तो हमें अपने मुल्क को मजबूत करना है, इन ताकतों को जो है किसी तरह भी कामयाब नहीं होने देना है। और आप देखें कि उस वक्त जो जिस तरह का इनको फिर भी चलो कहीं ना कहीं जो था राशन तो मिलता था जम्मू में, लेकिन यहां से जो पीर पंजाल से गए इनको तो राशन भी नहीं मिला, या चढ़ाव रीजन से जो लोग आए इनको राशन भी नहीं मिला। लेकिन कुल मिला के हमारा ये है कि ये जो मूवी है इस मूवी में वन साइड जो है एक दिखाई गई है, दूसरी साइड नहीं दिखाई गई है। मूवी को जो है जो गर्मियों के इस मौसम में भद्रवाह के लोगों को अब बिजली की बेतहाशा कटौती से नहीं जूझना पड़ेगा। भद्रवाह में अब हर 4 घंटे के बाद 2 घंटे बिजली का कट लगाया जाएगा, जबकि पहले 2 घंटों के बाद 2 घंटों का कट लगाया जाता था। भद्रवाह के एडीसी दिलमीर चौधरी ने बताया कि इस बाबत उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को विश्वास में लिया था और आने वाले दिनों में त्योहारों के सीजन में ये कटौती और कम की जाएगी। स्थानीय लोगों ने भी बिजली विभाग के इस फैसले का स्वागत किया है। ज्यादा होती है तो थोड़ा सा बिजली का जो है एक्स्ट्रा यूज हो जाता है और साथ साथ कहीं मिसयूज भी हो जाता है। उसकी वजह से लोड ज्यादा होने की वजह से बिजली डिपार्टमेंट ने जो है वो कंटेनमेंट रखी थी, 2 घंटे के लिए पावर देते थे, फिर 2 घंटे का जो कट होता था। अभी जो है उन्होंने अपना रिव्यू कर दिया है, रिवाइज कर दिया शेड्यूल अपना, और अब 4 घंटे देंगे, उसके बाद 2 घंटे का कट होगा। लेकिन अभी भी कल मेरी AW साहब से बात हुई है, अभी भी आगे चल के जो ही मौसम और अच्छा हो जाएगा, बिजली में सुधार हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आने वाले 10 दिन के बाद रमज़ान के लिए जो है वो मोस्ट प्रोबेबली यकीन मैं कह सकता हूँ कि हम लाइट में और सुधार करेंगे, कंटेनमेंट जो है और कम हो जाएगी। तो बिजली वालों का हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं PDD डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमारी बात पर गौर व फिक्र करके हमारी टाइमिंग में थोड़ी चेंज कर दी उन्होंने। जैसे पहले हमारे 2 घंटे हर 2 घंटे के बाद कटौती होती थी, लेकिन अब उन्होंने 2 घंटे छोड़ के 4 घंटे के बाद कटौती कर रहे हैं 2 घंटे की। तो चलो अच्छी बात है, उन्होंने 2 घंटे बढ़ा ली कटौती। अब जैसे 24 घंटे में से पहले अगर 12 घंटे लाइट आती थी, अब तो 10 घंटे 16 घंटे आ रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि PDD डिपार्टमेंट और उनसे और रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा इसमें टाइमिंग में थोड़ा और बढ़ोतरी करो। सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध न होने से जम्मू के ब्लॉक भरवाल के बटाड़ा गांव के किसानों में भारी रोष है। नाराज किसानों का आरोप है कि सड़क के निर्माण कार्य के कारण सिंचाई का माध्यम क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते पिछले 2 वर्षों से उनके खेतों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि गांव की करीब 250 कनाल जमीन बंजर हो चुकी है। किसानों ने सरकार और सिंचाई विभाग से जल्द नहरों की मरम्मत करने की मांग भी की है, ताकि उन्हें सिंचाई का माध्यम मुहैया हो सके। हमारी समस्या ये है सर कि ये नाला जो है ये इन्होंने तोड़ दिया रोड वालों ने, और 2.5-3 साल हो गए सर नाला तोड़े हुए। अभी तक हम मीडिया साहब को भी बताते हैं, वो भी बेचारे आए थे इधर, तो गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंची थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हम लोग मजबूर होकर आए हैं, अब KCC लिया हुआ है, हम लोगों ने लोन लिया है, तो वो भी मकाना है, कैसे मकाएंगे हम।
तो हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा, कोई जरिया नजर नहीं आ रहा है। तो अब आपसे यही दरख्वास्त है, हमारा रकबा कम से कम 200-250 कनाल है जो बंजर पड़ा हुआ है। तो अब गवर्नमेंट के आगे ही प्रार्थना है, उनके आगे ही हाथ जोड़ते हैं, डीसी साहब के आगे। तो डीसी साहब किसके लिए हैं? हमारे लिए हैं डीसी साहब। तो जब हमारी वो आवाज नहीं सुनेंगे तो उनको बैठना भी उधर बेकार है। मेरी सरकार से यही विनती है कि हमारा जो रोड वालों ने, ये हाईवे वालों ने जो नाला तोड़ा हुआ है, कोशिश करें कि जल्दी बनाएं, क्योंकि 2.5 साल हो गए हैं कम से कम 2.5 साल हो गए हैं। तो हम अभी खेतीबाड़ी छोड़ के दिहाड़ियां लगाने पे मजबूर हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये सर, जब पानी नहीं आएगा तो खेती कहाँ से करेंगे? खेती करेंगे तो फिर हमारा कुछ गुजारा चलेगा? हमारा अपना गुजारा करने के लिए जो हमने जानवर रखे हैं उनके लिए भी हमने लोन ले रखा है, केसीसी हमने ले रखा है, तो कहाँ से चुकाएंगे? हम खेती से चुकाएंगे? खेती में हमारी पानी नहीं है, तो जो सीजन के हिसाब से जो बारिश पड़ती है उसके हिसाब से या तो घास फूस लगा लें थोड़ा बहुत, बंद कर क्या कर देंगे सर दुगनी करके? हमने 50,000 या 1,00,000 रुपया हमने अगर केसीसी ले रखा है तो महीने का हमारा खर्चा, घर का रसोई का खर्चा ही हमारा 10-12 हज़ार हो जाता है, तो सरकार इतना कहाँ से देगी? जम्मू के नरवाल फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रशंसा की है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के प्रवक्ता अश्विनी शर्मा ने कहा कि मौजूदा सरकार किसानों के साथ साथ फल और सब्जी के कारोबार से जुड़े व्यापारियों के हित के लिए भी काम कर रही है। अश्विनी शर्मा ने कहा कि इतने काम पिछले 70 वर्षों में नहीं हुए जितने अब हुए हैं। उन्होंने कहा कि सब्जी कारोबारियों की दुकानों की लीज और ट्रांसफर का मसला भी सरकार ने जल्द हल करने का आश्वासन दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ये जम्मू कश्मीर में रहकर ये बड़ी देर के यहाँ पर हैं। इन्होंने इंडस्ट्री को भी बहुत सुधारा है, यहाँ भी बहुत सुधार कर रहे हैं, और किसानों के बारे में भी बहुत कुछ उन्होंने हमको स्कीमें बताई हैं कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो कैंप लगाएंगे। अगर वो कैंप लगाएंगे तो बेरोजगारी इतनी दूर होगी। यहाँ पर 2 लाख पौधे लगते थे, उन्होंने 26 लाख तक लेके गए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। और हमारी सब्जी के जो कोल्ड स्टोर हैं, सब्जी को रखने का है, बहुत ही स्कीमें ऐसी आई हैं, वो हमारी बात मान गए हैं। हम गवर्नर जी का इतना शुक्रिया अदा करते हैं कि 70 साल में हमारे जम्मू में इतना काम नहीं हुआ जितना गवर्नर साहब जो सक्सेना साहब है उनके तजाद में हो रहा है। हम उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, और ज्यादा थैंक्स हम करते हैं मोदी जी का, जिन्होंने गवर्नर राज लगा है, वो हमारे 370 दफा तोड़ी है, वो हमको बेनिफिट मिला है, इसका बहुत बेनिफिट मिला है। जैसे उन्होंने बहुत कुछ बोला है कि जैसे हमारे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल आ रहे हैं, इतनी कंपनियां आ रही हैं, हमारा जम्मू का रोजगार जो है वो उनको आगे आने के बहुत बेनिफिट मिलेगा। और सब्जी मंडी के बारे में, किसानों के बारे में इतना विस्तार से उन्होंने बताया है कि इतनी स्कीमें गवर्नमेंट ने दी हुई हैं कि वो अगर कैंप लगाएंगे तो हमारे लोगों की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।